नमस्कार दोस्तों, ओनली अवन में आपका स्वागत है। हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग अवन का इस्तेमाल सिर्फ खाना गर्म करने के लिए या फिर केक और कुकीज़ बनाने के लिए ही करते हैं, लेकिन अवन में देशी डिशेस बहुत ही आसानी से और जल्दी बनाई जा सकती है। हमारी ये चैनल में हम आपको ऐसी ही रेसिपीज़ बनाकर बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम बड़ी ही आसानी से अवन में मैक्रोनी विद पाइनएप्पल बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल में 2 कप पास्ता लेंगे। मैंने यहाँ पे शेल पास्ता लिया है, आप चाहे तो एल्बो पास्ता भी ले सकते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल डालने से पास्ता बॉईल होने के बाद एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। यहाँ मैंने तकरीबन 3 कप पानी डाला है। पानी पास्ता डूबे उतना ही डालना है। अब इसे 5 मिनट के लिए बिना ढके हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। 5 मिनट बाद इसे एक बार निकालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब दोबारा इसे 5 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। याद रखें दोस्तों, इसे बिना ढके माइक्रोवेव करना है। देखिए, ये पास्ता फूलकर बड़े हो गए हैं, रंग भी बदल गया है और काफी नरम हो चुके हैं, यानी अब ये बॉईल हो चुके हैं। इसमें से हम पानी निकालकर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम मैक्रोनी के लिए व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस के लिए हम वापस एक माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल में 50 ग्राम बटर और 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। अच्छे से मिलाकर बिना ढके 1 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। फिर इसमें 1 कप दूध डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स या गट्ठे ना रहे, और बिना ढके 2 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। दो मिनट बाद इसे अच्छे से चलाकर एक स्मूथ पेस्ट जैसा रेडी करना है। पेस्ट रेडी होने के बाद इसमें हम 1 और कप दूध धीरे धीरे डालकर मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गट्ठे ना पड़े। मैंने यहाँ 2 कप पास्ता के हिसाब से व्हाइट सॉस बनाया है। आप चाहे तो पास्ता के हिसाब से सॉस की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दूध बराबर मिक्स हो चुका है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल सिरप डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ये रेसिपी बनाने के लिए कैन पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल इस्तेमाल कर रहे हो तो शक्कर को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। अब हम इसमें एक चीज़ स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डालेंगे। चीज स्लाइस ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा मैक्रोनी चीजी हो तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए वापस हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपको सॉस ज्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप दोबारा 1 या 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। अब हम इसमें बॉयल पास्ता और पाइनएप्पल के टुकड़े ऐड करेंगे। वापस अच्छे से मिलाकर इसे दोबारा 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे ताकि सॉस और पास्ता एक दूसरे में बराबर मिक्स हो जाए। इस मिक्सचर को हम बेकिंग ट्रे में निकालकर उस पर चीज क्यूब को ग्रेट करके स्प्रेड करेंगे। चीज आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर चीज अच्छे से पूरे बेकिंग ट्रे पर कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, चीज अच्छे से पूरे बेकिंग ट्रे पर कवर हो जाना चाहिए। अब हमारी मैक्रोनी का फाइनल स्टेज आ चुका है, तो हम इस ट्रे को एक ग्रिल स्टैंड पर रखकर 5 या 6 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे।
वाओ, हमारी मैक्रोनी विद पाइनएप्पल रेडी है। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसें। बच्चों को मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। याद रहे, मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक ओनली अवन के और वीडियोस का मजा लीजिए, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।